आज हम मूली के पराठे बनाएंगे जो बिल्कुल खस्ता बन के तैयार होते हैं। ये बिल्कुल भी फटेंगे नहीं, ये बहुत आसानी से बन जाते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 से 5 मूली ली है। मूली को मैंने छोटा छोटा ही लिया है, ज्यादा मोटा मूली हमें नहीं लेना है, नहीं तो वो मूली बहुत ही कड़क सा रहेगा जिसके पराठे अच्छे से नहीं बनेंगे। उसका एक कसीलापन सा जो रहता है टेस्ट में वो अच्छा नहीं आएगा। अब हम मूली को अच्छे से छील लेंगे, उसके बाद हम उसको ग्रेट करेंगे। यहाँ पर मैंने सारी मूली को छील लिया है। अब इसको मैं छोटे ग्रेटर की मदद से सारी मूली को हम ग्रेट कर लेंगे। हमें ज्यादा मोटा किसना नहीं है या ग्रेट नहीं करना है, हमें मीडियम लच्छे ही रखने हैं, जिसको आप देख सकते हैं इतने मीडियम हम इसको रखेंगे। अब ये सारी मूली को हम एक बाउल में डाल के उसमें 1 चम्मच नमक डाल के मिक्स करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब मैंने यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा लिया है, 1 चम्मच मैंने नमक डाला है और आधा चम्मच हम अजवाइन डालेंगे। जब तक मूली को पानी छोड़ने के लिए हमने रखा है, जो नमक डाल के रखने से पानी छोड़ देगा, तब तक हम ये आटा लगा के तैयार कर लेते हैं जो पराठों के लिए हम यूज करेंगे। इसको हमें सॉफ्ट सा आटा बना के तैयार करना है। हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और आटा अच्छे से हम सॉफ्ट सा गूंद लेंगे। अजवाइन का टेस्ट मराठे में बहुत ही अच्छा आएगा, इसलिए मैंने इसमें अजवाइन डाली है। हमारा आटा बनके तैयार है। अब इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने छोड़ देंगे। अब हम मूली में से सारा पानी ड्रेन आउट कर देंगे। आप ये मसलिन क्लॉथ की मदद से मूली में से पानी पूरा निकाल लीजिए, जिससे कि पराठे हमारे नहीं फटेंगे। इसमें यदि पानी ज्यादा रह गया तो पराठे हमारे फट जाएंगे, क्योंकि मूली पानी बहुत छोड़ता है, इसलिए हमें इसका पानी पूरा निकाल लेना है। आप देख सकते हैं कितना सारा पानी इसमें से निकला है। अब इसको हम एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। आप देख सकते हैं एकदम ड्राई हो चुका है। अब इसमें हम मूली की भाजी जो होती है उसको मैंने बारीक काट के रखा है, उसको भी ऐड करेंगे। इसको डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, आप ये जरूर से डालें। और उसमें मैं थोड़ा सा धनिया डालूंगी। यहाँ पर हम 1 चम्मच तेल डाल के उसमें तड़का डालेंगे। तड़के में मैंने अजवाइन डाला है और खड़ा सौंफ डाला है और थोड़ी सी हल्दी, और ये मूली की भाजी को हम मूली के साथ डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। हमें उतना ही चलाना है, जब से मसाले मिक्स हो जाए उतना ही हम इसको मिक्स करेंगे। हमें इसको पकाना नहीं है, ये हल्दी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। मिर्च का पाउडर मैंने यहाँ पर आधा चम्मच लिया है, 1/2 TSP, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब ये मसाला हम ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम इसके पराठे बेलेंगे। हमें इसका पराठा ऐसे मोटा सा लोई लेके बनाना है और उसमें बीच में हम इसकी स्टफिंग को रखेंगे। आपको जितना टाइट स्टफिंग चाहिए आप उतना इसमें भर सकते हैं। मैं इसमें ज्यादा स्टफिंग भरूंगी, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, ज्यादा आटा नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं ये अच्छे से फोल्ड करके हमें स्मूथ कर लेना है और ऊपर से एक्स्ट्रा आटा हम निकाल देंगे। ऐसे घुमाते हुए हम इसको फोल्ड करेंगे, जिससे कि ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा और ये हमारे बेलने में आसानी होगी। मैंने यहाँ पर आटे की जगह चावल का आटा लिया है। इसको आप रोल करने में यूज करेंगे तो पराठे हमारे बहुत ही खस्ता बनेंगे। चावल के आटे से ये आसानी से रोल भी हो जाता है और पराठे में एक खस्तापन आता है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी फटा नहीं है, ये बस आपको दिख रहा है इसमें स्टफिंग हमारी कितनी टाइट है, जिसके कारण इसका कलर आपको येलो सा दिख रहा है, लेकिन ये पराठा हमारा बिल्कुल भी नहीं फटेगा।
इसको हमें सॉफ्टली ही बेलना है, ज्यादा वजन देके या प्रेशर देके हमें नहीं बेलना है। अब इसको हम साइड में रख देंगे और मैं आपको दूसरे तरीके से भी पराठा बेलना बताती हूँ। दो लोई को हम काट लेंगे और छोटा छोटा काटेंगे, हम दो लेयर में पराठे बनाएंगे। इसको आप पतला पतला बेल लीजिए, हमें इसको एकदम पतला बेल के तैयार कर लेना है, बिल्कुल रोटी की तरह। आप देख सकते हैं हम इसको इतना पतला बेल के तैयार करेंगे, ऐसा ही हम दूसरा भी बेल लेंगे। अभी हमारा बेल चुका है, अब हम स्टफिंग को इक्वली स्प्रेड कर देंगे। स्टफिंग हमारी इक्वली स्प्रेड हो चुकी है, अब इसके ऊपर हम दूसरी जो रोटी सी हमने बेल के रखी थी उसको रख के साइड से दबा के आपको इसको फॉर्क की मदद से ऐसे सील कर देना है, जिससे कि ये स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी, और आप इसको हाथों की मदद से ऐसे दबा दें जिससे कि इसमें बबल हो या एयर हो तो वो निकल जाएगा। अब हम पराठे को सेक लेंगे। आप ये पराठे एक साथ बेल के भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और अच्छे से सिक जाएंगे। आप देख सकते हैं मैं अब इसमें एक चम्मच तेल डालूंगी और इसको हम अच्छे से पलट के दोनों साइड से सेक लेंगे। सेकने के टाइम पे आप इसकी गैस को मीडियम हाई कर दीजिए और इसको अच्छे से दबा दबा के चारों तरफ से हम पका लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी हमारा पराठा फटा नहीं है और एकदम क्रिस्पी पराठा हमारा बनके तैयार हुआ है। ऐसे ही हम दूसरा पराठा भी सेक लेंगे। ठंडी की सीजन में मूली के पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप ये रेसिपी जरूर से बनाएं। आप देख सकते हैं पराठा अच्छे से फूल भी रहा है, मतलब इसमें अच्छे से स्टफिंग भी भरी हुई है और ये अच्छे से सिक के तैयार हो जाएगा। यदि कहीं से क्रैक्स आ जाएगा तो वो पराठा फूलेगा नहीं, लेकिन टेस्ट में और क्रिस्पीनेस में वो सेम ही लगेगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से करारा पराठा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम दो परतों का जो पराठा हमने बनाया था, अब उसको भी हम डाल के सेक लेंगे। हमको ऐसे दो हाथों की मदद से डाल देना है जिससे कि वो अच्छे से सिक जाएगा। आप देख सकते हैं ये अच्छे से एक साइड से सिक चुका है। अब मैं थोड़ा सा तेल डाल दूंगी, तेल या घी आपको जो पसंद है अब वो डाल सकते हैं, लेकिन मूली के पराठों में स्पेशली तेल ही डाला जाता है। अब इसको भी हम चारों तरफ से दबा दबा के पका लेंगे या सेक लेंगे। ये पराठा भी हमारा कितना खस्ता बना है आप देख सकते हैं। अब हमारे सारे पराठे तैयार हो चुके हैं। मैं पराठों को आपको बीच में से कट करके भी दिखाती हूँ कि इसकी स्टफिंग कितनी अच्छे से इक्वली आई है। मूली की भाजी को डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आप ये जरूर से डालें। अब हमने जो दो लेयर्स में बनाया था उसको भी मैं कट करके बताती हूँ कि इसमें भी इक्वली स्प्रेड हुआ है स्टफिंग, तो इसका भी टेक्सचर अंदर से इक्वली ही आएगा। आप ये मूली के पराठे जरूर से घर पे बनाएं और हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। Thank you for watching and supporting.